देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीन में धीमी ईंधन मांग पर चिंता बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में आज लगभग $4 की गिरावट आई है। ऐसा तब हुआ जब संघाई में अधिकारियों ने कहा कि वे कोरोना टेस्टिंग के लिए देश के वित्त केंद्र को बंद कर देंगे। ऐसे में एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण बाजार में पहले से ही अनिश्चितता है, वहीं अब दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक चीन में कोरोना संबंधी लॉकडाउन का विस्तार होने से बाजार और तनाव में है। बता दें कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक है। ब्रेंट क्रूड वायदा $116.00 प्रति बैरल के निचले स्तर पर फिसल गया है और $3.88 या कहें 3.2% की गिरावट के साथ $116.67 पर कारोबार कर रहा था। वहीं WTI क्रूड वायदा $109.30 प्रति बैरल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये $3.92 या कहें 3.4% से नीचे रहते हुए $109.98 पर था। दोनों बेंचमार्क अनुबंध 1.4% बढ़े थे। वहीं सप्ताह में अपना पहला साप्ताहिक लाभ दर्ज किया गया है, जिसमें ब्रेंट 11.5% से अधिक चढ़ा था और WTI 8.8% चढ़ गया था। वहीं संघाई के लॉकडाउन ने निराश निवेशकों से एक नई बिकवाली को प्रेरित किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह के लॉकडाउन से बचा जाएगा। बाजार पर पिछले शुक्रवार को सऊदी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी पर मिसाइल हमले के प्रभाव पड़ा था। फिर भी जैसा कि ओपेक के हाल के महीनों की तुलना में तेज गति से तेल उत्पादन बढ़ने की संभावना कम है, तो उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत में तेल बाजार फिर से तेज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।